आपके साथ। पॉपुलर टीवी शो अनुपमा की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली बीते कई दिनों से विवादों में है। कुछ समय पहले ही उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा ने उन पर हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। ईशा के आरोप थे कि पिता को कॉल करने पर रूपाली उन्हें जान से मारने की धमकी देती है और पिता को गलत दवाइयां देती है। ईशा द्वारा लगाए गए संगीन आरोपों के जवाब में रूपाली गांगुली ने उनके खिलाफ 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। रूपाली ने नोटिस में कहा कि ईशा के आरोपों के चलते उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ा है, वहीं उनके हाथ से कई प्रोजेक्ट निकल गए हैं। रूपाली गांगुली के वकील सना रईस खान ने हाल ही में इंडिया टुडे से बातचीत कर बताया कि हम उनकी सौतेली बेटी को उसके झूठे और नुकसान पहुंचाने वाले बयानों के जवाब में मानहानि का नोटिस भेजा है। रूपाली ने अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। बेटी के आधारहीन बयानों ने रूपाली की छवि को नुकसान पहुंचाया है और उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा का फायदा उठाया है। इन आरोपों ने उन्हें न सिर्फ इमोशनली दिक्कत हुई है बल्कि उनकी निजी और प्रोफेशनल इमेज भी खराब की गई है। ईशा वर्मा को भेजे गए नोटिस में लिखा गया है कि उनके द्वारा रूपाली गांगुली के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिससे उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को नुकसान पहुंचा है। इससे उनके करियर पर भी गलत असर पड़ा है जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। अब ईशा वर्मा तुरंत माफी मांगे और उन्हें नुकसान की भरपाई के लिए 50 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।